हेलो गाइस, मैं कुलदीप बॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक खास ऑफ़र है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए ऑफ़र जो कि पेटीएम का ऑफ़र है। जी हाँ दोस्तों, इसमें ऑफ़र ऐसा है कि आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है। जी हाँ दोस्तों, कूपन कोड की मदद से आपको कैशबैक मिलेगा, वो भी 30 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, 30 रुपये आपको कैशबैक मिलेगा मात्र एक कूपन कोड डालने की वजह से। तो मैं आपको वो कूपन कोड बताऊंगा और आपको कैसे ऐड मनी करना है और ट्रांसफ़र करना है अपने बैंक में। जी हाँ दोस्तों, बैंक में भी ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आप दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वो भी हो जाएगा इस कूपन कोड से। यहाँ कूपन कोड से आपको 30 रुपीज़ का गोल्ड मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये कूपन कोड गोल्ड का है, जिसकी मदद से आपको गोल्ड मिलेगा। और गोल्ड खरीदने के बाद उस कोड को 30 रुपीज़ का गोल्ड मिलेगा आपको। चलिए आइए शुरू करते हैं, ये आपको 30 रुपीज़ कैसे मिलेंगे। तो अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में बेल आइकन उसको दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपके लिए ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ लाता रहूँगा। जी हाँ दोस्तों, हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना पेटीएम ओपन अकाउंट कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, पेटीएम आप ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, एक जो कि नया नंबर लेना है या फिर उसमें ई केवाईसी नहीं है उस नंबर को लेना है। जिसमें ई केवाईसी पहले से हो चुका है, पुराना है, उसमें ये कोड अप्लाई नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जिसमें ई केवाईसी हो चुका है या पुराना नंबर है जिसमें ई केवाईसी पहले से है, उसमें यूज़ नहीं होगा। हाँ, पुराना नंबर है उसमें अगर ई केवाईसी नहीं हुआ है तो इस कोड को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, अगर नया नंबर है तब भी उसमें ओपन कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन, क्योंकि न्यू अकाउंट है तो इसको मैं लॉगिन करता हूँ। या दोस्तों ये देखिए, ओटीपी मांगेगा, तो आपको सिंपली उसमें ओटीपी डाल देना है। अगर उसमें ओटीपी आएगा, डाल देना है, तो मैं वही कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने ओटीपी डाल के इसको लॉगिन कर लिया है। तो अब भी अगर न्यू अकाउंट है जो कि इसमें केवाईसी नहीं हुआ है, तो इसको ओपन कर लीजिए। तो मैं इसको सबसे पहले क्या करूँगा, इसको केवाईसी करूँगा। जी हाँ दोस्तों, ऐड मनी पे क्लिक करने के बाद ये देखिए दोस्तों, जो कि मांग रहा है वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि मैं यहाँ पर डालूँगा वोटर आईडी। तो चलिए यहाँ पर वोटर आईडी डालते हैं। या दोस्तों, वोटर आईडी नंबर डालने के बाद आपको नाम डालना है वोटर आईडी में, जो कि नाम है उसको वोटर आईडी का नाम डालना है। और यहाँ पे आई कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। आई कन्फर्म के बाद आपको सबमिट कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों, सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, आपको ऐड मनी पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे वोटर आईडी डालना है। वोटर आईडी के बाद आपको 30 रुपीज़ डाल देना है। या दोस्तों, 30 रुपीज़ जैसे मैंने डाल दिया है, और यहाँ पे 30 रुपीज़ यहाँ पे दिखा हैव ए डिफरेंट प्रोमो कोड, तो यहाँ पे प्रोमो कोड ऐड करना है। तो ऐड क्या करना है आपको, सिंपली प्रोमो कोड मैं आपको बताऊँगा प्रोमो कोड क्या डालना है। तो प्रोमो कोड है new30। जी हाँ दोस्तों, new30, तो इसको अप्लाई कर देना है new30 पे। ये देखिए दोस्तों, new30 अप्लाई हो चुका है, और ऐड कर देना है ऐड मनी। यहाँ पे ऐड मनी, ये देखिए दोस्तों, ऐड मनी हो चुका है, जो कि गोल्ड में ऐड मनी हो चुका है 0 बैलेंस से। तो मैं यहाँ पे गोल्ड में देखता हूँ। हेलो दोस्तों, ये भी बता दूं आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर पासबुक में जाएंगे तो यहाँ पे आपको गोल्ड, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन गोल्ड का नहीं मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, पासबुक में आपको गोल्ड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च कर देना है गोल्ड, GOLD। तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, तो देखिए दोस्तों, बाई का ऑप्शन आ रहा है और सेल का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर सेल कर दीजिए दोस्तों, मुझको गोल्ड बेचना है। जी हाँ दोस्तों, गोल्ड को सेल कर देते हैं। तो कितने में सेल होगा, ये यहाँ पे ऑप्शन आएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ होगा आपकी, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे रुपीज़ में लिखा हुआ है 28 रुपये, और कुछ पॉइंट में 19, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो आपको सिंपली यहाँ पे इतना ही रुपए डाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 28 रुपये यहाँ पर डाल देता हूँ मैं, 28 रुपीज़ यहाँ पे, और प्रोसेस पे डाल देता। यहाँ पे ये दोस्तों अकाउंट नंबर पूछेगा, आपको अकाउंट नंबर डाल देना है। तो मैंने बैंक अकाउंट पूरा डाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए सेल का ऑप्शन है, प्रोसेस टू सेल पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे ओटीपी पूछेगा, यहाँ पे आपको ओटीपी डाल देना है।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने OTP डाल दिया है, आपके फ़ोन नंबर पे आया होगा, तो यहाँ पे डाल देना है क्लिक करके कंफर्म। ये देखिए दोस्तों, बैंक में सिंपली थोड़ा टाइम लगेगा, ये देखिए दोस्तों प्रोसेस पे अभी, और टाइम लगेगा प्रोसेस में। ये देखिए दोस्तों, आपके 28 रुपये बैंक में पहुंच चुके हैं। या दोस्तों 28 रुपये बैंक में पहुंच चुके हैं, जो कि मेरे अकाउंट में पहुंच चुके हैं। तो सिंपली आप किसी का भी नंबर यूज़ करके, आप अगर आपके पास वोटर आईडी है, किसी का वोटर आईडी भी यूज़ कर सकते हैं, किसी हाँ अगर उसकी परमिशन से आप वोटर आईडी भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तो मैंने आपको बता दिया है कैसे यूज़ करना है कूपन कोड। जी हाँ दोस्तों, आपको ये कूपन कोड पसंद आया तो, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, और जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए।